कितना परसेंट कह रहे हैं? ये नई शिक्षक बहाली जो आई है, ये बीपीएससी के माध्यम से जो हो रही है, ये दुनिया का अजूबा एक ऐसा बहाली है कि अब तक मात्र 11 दिन हुए नोटिफिकेशन आया है। 11 दिन में नियमावली में 8 संशोधन अब तक सरकार की, 8 संशोधन, लेकिन अब तक एक बार भी ये नहीं जारी की है कि सिलेबस आपका क्या होगा, एक मॉडल पेपर तक जारी नहीं किया। कभी कहता इसको लेंगे, कभी कहता उसको लेंगे, यानी कि एकदम कचड़ा करके रख दिया है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो डोमिसाइल नीति यहाँ लागू थी, बिहार नई शिक्षक नियमावली में जो डोमिसाइल नीति सरकार लागू की थी, वो डोमिसाइल नीति को बरकरार रखे, उसे वापस ना करे, क्योंकि दूसरे राज्य में हम सभी बिहारियों को मौका नहीं मिलता। जब दूसरे राज्यों में हम सभी बिहारियों को नहीं मौका मिलता है, तो फिर हमारे राज्य में दूसरे राज्य को क्यों मौका दिया जाएगा? ये नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, आपका घर नहीं सही रहेगा तो आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाइएगा? तो हम लोग का यही मांग है कि अविलंब इस डोमिसाइल नीति को वापस किया जाए और ये जो बहाली है इसको बढ़िया से किया जाए। तो जो बीपीएससी के थ्रू बहाली हो रहा है, इसमें कुछ कहना है आपको? इसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें इतना कचरा किया है, फिर भी हम लोग उसको मानते चले गए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, बीपीएससी के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम के साथ। इसमें नियोजित शिक्षक को भी शामिल कर दिया गया, इसके बाद नियोजित शिक्षक के साथ साथ सीटेट अपेयरिंग वाला को भी शामिल किया गया, और फिर भी हम लोगों ने विरोध नहीं किया। तो सीटेट अपेयरिंग वाले को शामिल किया गया और उनको जानते, उनके साथ एक भद्दा मजाक किया गया है, उनके साथ एक भद्दा मजाक किया गया, शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है समय पे, तो उनका एक चांस खत्म हो जाएगा। ये सरकार क्यों नहीं, जब इतना संशोधन कर रही है तो एक संशोधन और कर लेगी, कर लेना चाहिए कि जो तीन चांस मिलेगा। जो बात कर रहे हैं आप, वो तो कोई फोर्सफुली नहीं है ना, वो तो है कि आप कर सकते हैं, उनकी मर्जी पे है, मर्जी पे। अगर कैपेबल होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। तो आप एक तरफ आप ही उसको शामिल कर रहे हैं, कहने का मतलब सरकार ही उसको शामिल कर रहा है सबको, तो जब इतना संशोधन आप कर रहे हैं तो ये संशोधन आप कीजिए ना कि जो तीन चांस आपका है, ये आपका 5 चांस रहेगा, 6 चांस रहेगा, ये भी एक संशोधन कर दीजिए, एक मॉडल पेपर दे दीजिए कि आपका प्रश्न पत्र का लेवल इस तरह का रहेगा, इस विषय से इतना पेपर रहेगा, खत्म करके बिना, नहीं तो बहाली मत कीजिए, छोड़ दीजिए, काहे के लिए बिना मतलब के ये कर रहे हैं, ये खिचड़ी बना रही है। और नीतीश कुमार के साथ साथ जो उनका भी बॉडीगार्ड है तेजस्वी यादव बॉडीगार्ड है, वो बॉडीगार्ड और नीतीश कुमार दोनों मिलकर इस बहाली को खिचड़ी बना रहा है। मेरा अजय कुमार नाम। शिक्षा मंत्री को तो कोई लूर नहीं है? क्या बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री के बारे में? क्या बोल रहे हैं ये? इनको तो कोई लूर नहीं है, खुद एक शिक्षक भी है वो, कुछ नहीं है, वो जीरो है, उनको पता नहीं है। प्रोफेसर क्या है? करियर नहीं कहते हैं। अब 4 साल से किसी चीज को लटका कर रखते हैं, उसके बाद बोलते हैं बीपीएससी का एग्जाम दे, आज बीपीएससी के थ्रू गए, 10 साल के बाद एग्जाम देगा? वो छठे चरण में बोलते थे कि हम बीपीएससी से बहाली लेंगे। इसी का ये फरमान है कि बिहार से में क्या जगह सब मंत्र क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैडम आप क्या बोलना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी के बारे में? क्या बोलना चाहते हैं? वो एक प्रोफेसर भी शिक्षा मंत्री कहलाने के लायक ही नहीं है, वो तो खुद रामचरितमानस के सवाल उठाते हैं, उनको क्या शिक्षा मंत्री, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको लायक ही नहीं, उनको तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। नियमावली तो जिस दिन से आया है उस दिन से ये काला कानून है, इसको सरकार अविलंब वापस ले। रोज दिन ये संशोधन पे संशोधन, आदमी क्या पढ़ाई करेगा, आधा तो टेंशन में मर रहा है। रामचरितमानस की बात आपने किया, हाँ। क्या वो जो लाइन जो बोले हैं उसमें लिखा हुआ नहीं है? क्या नहीं लिखा? रामचरितमानस पढ़ा है आपने? हमने पढ़ा है। लिखा हुआ है कि नहीं है? शिक्षा मंत्री क्या होता है, पूरे देश का एकाती होते हैं, शूद्र पशु नारी है, तारण के अधिकारी, लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? तो फिर आप क्यों ये बात क्यों कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री वो एक अलग मुद्दा, अपना मुद्दा है ये, वो एक अलग मुद्दा है। शिक्षा मंत्री हाँ लिखा हुआ है, वो बोल रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? जब इतिहास को बदलने का आपके पास औचित्य नहीं, आपने कहा अभी सवाल मुझसे पूछा कि रामचरितमानस में छूद्र लिखा हुआ है कि नहीं, इनसे बड़ा रामचरितमानस का निर्माण पहले कौन किए? क्या शिक्षा मंत्री उनसे ज्यादा काबिल हैं? क्या काबिल की बात नहीं हो? तो पोस्टर स्टेटमेंट को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? फिर संविधान को आप नहीं मानिए? संविधान को आप क्यों मान रहे हैं? संविधान को फिर आप क्यों मान रहे हैं? संविधान को भी नहीं मानिए, ओपन बहाली करवाइए, बिना बीएड वालों को एंट्री करवाइए, या तो फिर अविलंब जो है इसको वापस। मिसाइल जैसा था वैसा।
चलिए बोलिए। हम लोग को बिहार के लोगों को युवा को डोमिसाइल करना चाहिए, सिर्फ बिहार में, अदर स्टेट में हम लोग को जब नहीं दिया जाता तो यहाँ को कहा। आप लोग की मेन मांग है डोमिसाइल बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी का फरमान है 6 महीना पहले कि यहाँ भी बिहारियों को सिर्फ मौका दिया जाएगा सत्रह चरण में। अब हम वही कह रहे हैं आज बताइए, दो चिलिम गंजा पी के इनको मन बदलता रहता है। एकदम पॉइंट वाले बात क्या बोले, क्या बोल रहे, क्या है, क्या है, इनको मैंने 6 महीना के बाद मैंने रोला था लगता है, क्या है, 2 महीने नींद में रहते हैं जब नींद।